पिछले हफ्ते अर्दुगान द्वारा तुर्की में स्थित विश्व लोकप्रिय हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने की घोषणा के बाद से अर्दुगान इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में। हागिया सोफिया के मस्जिद में तब्दील के बाद अर्दुगान ने मस्जिद अल अक्सा को इसराइल की गिरफ्त से रिहाई की बात कही और कहा कि तुर्की जल्द अल अक्सा को रिहा कराएगा। इस कदम में अर्दुगान का पाकिस्तान और मलेशिया ने समर्थन किया और इसे खिलाफत उस्मानिया के कदम होने का पहला कदम करार दिया। वहीं तैयब अर्दुगान ने 15 जुलाई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, 15 जुलाई 2016 की रात फैतुल्ला आतंकवादी संगठन यानी FETO ने इस स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्र को झकझोड़ने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि वे सफल नहीं हो सके। उस रात तख्ता पलट के सार्वजनिक विरोध ने यह साबित कर दिया कि हमारे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अजान, झंडा स्वतंत्रता और भविष्य के लिए एक अजय नायक बन सकता है। उन्होंने कहा, राष्ट्र ने उन लोगों को निराश किया है, राष्ट्रीय इच्छा को अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं। पराजित तख्ता पलट ने सेना पर आतंकवादियों के साथ दयनीय विश्वासघात के रूप में उपयोग करते हुए देश पर आक्रमण की कोशिश की, लेकिन इस तख्ता पलट ने देश के देशभक्ति के दृढ़ संकल्प को पूरा किया। उन्होंने कहा, तुर्की अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इस राष्ट्र के पास कहने के लिए कई शब्द हैं, कई परियोजनाओं को लागू करने के लिए, इस राज्य में प्रेरित करने की बहुत क्षमता है। तुर्की 15 जुलाई को लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में राष्ट्रव्यापी दिवस के रूप में चिन्हित करता है, जो उन लोगों को याद करने के लिए है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सऊदी अरब के बाहर के निवासियों को हज की अनुमति ना दिए जाने पर लोगों में मायूसी है। हालांकि वर्ष 2020 की हज यात्रा के दिए रुपए अब हज कमेटी वापस करने की प्रक्रिया आरंभ करने वाली है। स्लिम फंड ट्रस्ट के हज काउंटर के संयोजक फहीम सिद्दीकी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए खादिम हरमैन शरीफैन की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से सऊदी सीमाओं से बाहर रहने वाले लोगों के लिए हज की सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में हज यात्रा के लिए सऊदी सीमा में रहने वाले लोगों को ही हज के अरकान अदा करने की सहूलियत दी जा रही है। चाहे वह सऊदी नागरिक हो या वहां रहने वाले विदेशी नागरिक, जिसके चलते एक समय में 10,000 लोगों को ही अरकान अदा करने की अनुमति होगी। फहीम सिद्दीकी ने बताया कि हज कमेटी ने हज यात्रा पर जाने वाले आवेदनकर्ताओं की रकम 23 जुलाई से वापस करने की प्रक्रिया आरंभ की है, जिसके चलते उनके बैंक खातों में उनके द्वारा जमा की जाने वाली रकम वापस आ जाएगी। अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके अभी बताएं।